माउंट वो जगह है जहां पे आज एक बड़ा मुस्लिम्स का मॉस्क खड़ा है लेकिन वहां पे पहले टेंपल्स बने थे परमेश्वर के सोलमन के टेंपल और पहला और दूसरा टेंपल जो कि बर्बाद किया गया जलाया गया और नष्ट किया गया वहां पे फिर भी आजकल काफी काम चल रहा है साइड में जहां पे खुदाई होती है और जो चीजें पाई जाती हैं वो लोग बड़े बड़े छन्नी में जैसे हम लोग छन्नी होते हैं हम लोग आटा छानते हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी छन्नी होती है जिसमें वो लोग ये पत्थर मट्टी को डालते हैं और उसको छानते हैं उसके मोटे मोटे हिस्से जो मिलते हैं कभी कभी बहुत काम के होते हैं लेकिन वो लोग वो सब पत्थरों को उठा के रखते हैं फिर उनका सम, काम होता है वो सब पत्थरों को चुनो और देखो कौन से काम के हैं और कौन से काम के नहीं हैं तो उसमें से बहुत चीजें ऐसी पाई जाती हैं जो कि बहुत पुरानी पुरानी समय के हैं और एक उनमें से उनको एक मट्टी का एक टुकड़ा पाया गया जो कि 2000 साल पुराना है उस पे हम लोग देखेंगे अः ये देखिए ये है ये उसके पीछे का हिस्सा है वो उसके आगे का हिस्सा है ये उस पे अगर थोड़ा सा और बड़ा किया जाए तो उसपे यूनानी यानी के ग्रीक वर्डिंग्स से शब्द ऐसे लिखे गए हैं वर्ड्स आ, ग्रीक में यूनानी में और एक ऐसा पिक्चर बना है जो कि आप बीच में देखेंगे वो दाकरस हम लोग जो डालते हैं जग्स में उस समय दाकरस बहुत पिया जाता था क्योंकि वहां पे बाग्स हैं अंगूर के तो उन लोगों के लिए एक साधारण चीज थी कि उसमें डालो बिल्कुल जैसे हम लोग येशु के बारे में भी देखते हैं कि शादी में कैसे दाकरस को अः पानी को दाक्रस बनाया गया तो यहाँ पे ये बर्तन देखते हैं तो इस पे ये बर्तन का डिजाइन है और कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो कि है। बहुत ऐसे जूज थे जो क्योंकि रोमन के पीरियड में बहुत तकलीफ हुई उन लोगों को तो दूर दूर चले गए और वहां पे बस गए ये कुछ ऐसे क्रिक्स थे जो कि ग्रीक एरिया में गए मैसेडोनिया में गए जो कि काला समुंदर के पार पास है और जैसे हम लोग देखते हैं कि जब जुश लोग हिंदुस्तान में पहुंचे गुजरात में जब उतरे वो लोग नाव से और वहाँ रहने लगे उन लिया। आज भी आप अगर जाएंगे तो जुश लोग वहां पे गुजराती में बोल रहे हैं ऊना में आप देखिए जब जाते हैं जब भी उनसे मिलते हैं हम लोग वो लोग मराठी में बात करते हैं वो लोग बहुत ऐसे हैं जो कि हिब्रू भी नहीं जानते हैं ठीक से लेकिन लोकल लैंग्वेज उन लोगों ने सीख लिया लोकल तरीका ने सीख लिया, रहन सहन ने सीख लिया तो कभी किसी को पता भी नहीं चला और वो लोग सुरक्षा रहे थे, रहते थे ये उनका तरीका था आगे बढ़ने का और सेफ रहने का तो यहाँ पे ये लोग जो चले गए बहुत दूर चले गए और वहां से लोग आते थे जब मंदिर खड़ा हुआ था तो लोग हजारों में आते थे सुकूत मनाने पासओवर मनाने और अलग-अलग पर्व मनाने के लिए हजारों में लोग आते थे लेकिन जब आते थे वो लोग जो भी चढ़ावा करना चाहें बाइबल में जैसे लिखा था अलग-अलग चीज के लिए अलग-अलग तरह की चीजें चढ़ाई जाती थी कभी कोई बकरा था कभी मेमना था कभी एक मेमनाना ये ज्यादा था कुछ चिड़िया होती थी के बड़े बड़े जग्ज आते थे तो यहाँ पे खुदाई वालों ने उनका कहना ये है कि जो लोग आते थे वो हर एक चीज़ अपने जानवरों को खींचते हुए नहीं ला जा सकते थे क्योंकि जगह नहीं होती थी लोग एक दूसरे में लड़खड़ाते थे एक दूसरे में टक्कर मारते थे तो उनको टोकन दिया जाता था जैसे हम लोग एस और दूसरे बैंक में जाते हैं पैसे के लिए तो हम लोगों को टोकन दिया जाता है कि अभी बैठ जाओ जब तुम्हारा समय आएगा तब ये आप आकर के या टोकन आप दे देना तो ये एक टोकन पाया गया वहां पे जो कि जो लोग मैसेडोनिया यूनानी एरियाज में रहते थे वो उस भाषा में बोलते हुए वो लेके आते थे और जब मंदिर में आए उन लोग वो अपनी चीजों को दे देते थे कोई एरियाज और उनको टोकन मिल जाता था ताकि वो पूरे पूरे फेस्टिवल में पूरे जो उनका समय होता था रबाई के सामने जाने का और ऑल्टर देखने का वो जा सकते थे तो इस पे एक डाक का जो जग मिला है तो लोग ये जरूर इस तरह की चीज लाए होंगे ताकि वो रबाई इसको दे सकें और वो जा के वेदी पे वो चीजें चढ़ाई जाती थी या तो वो रखा जाता था या पूरे वेदी में गिरा के परमेश्वर के सामने जैसे परमेश्वर ने कहा था क्या क्या चीजें लाना हम लोग लेविटिकस की किताब में बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत चीजें जो खुदाई होती गई लेकिन ये चीज पाई गई थी 2004 में जब उन लोगों ने शुरू किया वहां का खुदाई करना लेकिन उसका समझ में नहीं आया उनको कि यूनानी में लिखा गया है तो वो बहुत रिसेंटली अभी से पिछले साल उनको पता चला कि उसमें लिखा है कि कोई किसी का नाम लिखा है उसमें जाके साधारण नाम कभी कभी कोई जगह में नाम बहुत जैसे मैरी अगर साउथ में मैरी या गोवा में मैरी एक वेरी कॉमन नेम है तो यहाँ पे एक कॉमन नेम किसी का लिखा गया था और इसके पहले भी उन लोगों को ये एक ऐसा चीज पाई गई थी यही टेंपल माउंट पे उस पर लिखा था परमेश्वर के लिए पवित्र उतना लिखा हुआ था यहोवा के लिए पवित्र तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें पाई जाती हैं वहां पे जिससे पता चलता है कि उस समय कैसी जिंदगी में बहुत इट वॉज अ लाइवली प्लेस बहुत लोग थे बहुत कुछ हो रहा था मंदिर खड़ा हुआ था लोग आ रहे थे जा रहे थे मिल रहे थे और बाजारें लगती थी उसमें से अभी क्या हुआ है कि कुछ समय के बाद जब ये जगह दे दी गई और आ, मुस्लिम्स ने उस एरिया को लिया आ, और संभालने लगे और वहां पे उन लोग ने ये डोम ऑफ द रॉक वगैरह खड़ा किया तो बहुत ऐसी खुदाई की चीजें पड़ी हुई थी साइड में बड़े बड़े मट्टी के ढेर इन लोग ने क्या किया कि ट्रक्स को मंगवाया उठाया और बाहर जाकर के फेंकवाया उसमें बहुत जोश लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि इससे हमारी हिस्ट्री हमको पता ही चल रही है चाहे वो कितनी छोटी छोटी चीजें क्यों ना हो लेकिन हम लोगों को पता चलता है 2000 साल पहले कैसे हमारी जिंदगी थी यहाँ पे क्या होता था आज तो मंदिर में नहीं है तो यहाँ पे अगर चीजें हमको नहीं पाई जाएंगी हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए तो गवर्नमेंट ने उस वक्त ये बात Uh, बहुत डिस्कशंस करने के बाद उन लोगों को इजाजत मिली है कि आज भी वहाँ पे खुदाई हो सकती है चीजें मिल सकती हैं और लोग जा सकते हैं फैमिलीज जाते हैं और अगर uh, फैमिलीज जाकर के छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोटे छोटे पत्थर दिए जाते हैं ताकि उनको सीखें कि कैसे उस पर पे पे पेंटिंग्स हो सकती है कोई लोग घर ले जा सकते हैं वहाँ पे एक मीटिंग प्लेस हो गई है सो दैट्स फॉर टुडे शलोम